हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में। और जो आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज जो हम ट्रिक पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कुछ पॉइंट्स जो मैं अभी आपको क्लियर करने वाली हूँ। जैसे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी जो कर्क रेखा है, वो भारत में, इंडिया में कौन कौन से स्टेट से पास होती है, तो कई बार याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं। इसके साथ साथ हम इस वीडियो में ये भी पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो इंडिया के साथ कौन कौन सी स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, यानी भारतीय राज्यों के साथ कौन कौन से देश सीमा जो है वो शेयर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा की। तो आप कैसे याद रखोगे कर्क रेखा को? देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आप याद रखोगे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जहाँ ट्रॉपिक वर्ड आता है, कर्क रेखा जो है वहाँ पे बहुत गर्मी होती है। ट्रॉपिक वर्ड जहाँ पे भी आए आप समझ जाओ बहुत गर्मी है, तो वहाँ पे आप ट्रिक याद रखोगे गर्म सीट वजन। आप ऐसे याद रखोगे गर्म सीट में वजन होता है, ठीक है? तो गरम सीट वजम, तो गरम में ये जी गुजरात, आर राजस्थान, एम यानी मध्य प्रदेश। आप ये समझ लो, आपको ये याद करना और आसान हो जाएगा। ये इंडिया का मैप है, तो जो आपकी कर्क रेखा है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो कुछ इस तरीके से पास होती है, यानी बिल्कुल बीच में से होते हुए जाती है। तो आपको ये याद करना बहुत आसान हो जाएगा। आपको बस क्या याद रखना है, गरम सीट वजम, जी इज फॉर गुजरात, आर इज फॉर राजस्थान, एम इज फॉर मध्य प्रदेश, सीट यानी सी और टी, तो सी है आपका छत्तीसगढ़, टी है आपका त्रिपुरा। इसके अलावा वजम में डब्ल्यू यानी वेस्ट बंगाल, जे यानी झारखंड और एम यानी कि मिजोरम। तो ये हैं आठ स्टेट्स, आठ राज्य जहां से कर्क रेखा जो है वो गुजरती है, या जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो उसकी ट्रिक क्या है, गरम सीट वजम यानी जी आर एम, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सी और टी छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा, और इसके अलावा डब्ल्यू जे एम वेस्ट बंगाल, झारखंड और मिजोरम। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही साथ इसका भी, चलिए। तो ये थी कर्क रेखा वाली चीज। अब हम बात करते हैं जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो पड़ोसी देश हैं उनकी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ बांग्लादेश की। तो आप कैसे याद रखोगे कि बांग्लादेश के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं वो बहुत वार्म रिलेशंस हैं, बहुत जिसको कहते हैं ना कि बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। तो नॉर्मली जब अच्छे रिलेशंस हो तो वार्म रिलेशंस हम यूज करते हैं, तो हम यूज करेंगे वर्ड वार्म्थ। तो उसके लिए बस स्पेलिंग को चेंज करना है। तो बांग्लादेश के साथ जो रिलेशंस हैं वो कैसे हैं, वार्म्थ, WAMMT। तो ये आपकी पांच स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ डब्ल्यू की यानी वेस्ट बंगाल, ए यानी असम। आपको पता है ये चीज़ है ना, नॉर्मली कितनी ट्रिक्स आप याद करोगे। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इंडिया का मैप यानी पॉलिटिकल मैप लेकर आओ, उसको कम से कम आप डेली एक मैप को भरने की प्रैक्टिस करो। डेली आपको एक मैप भरना है, तो आपको ये अपने आप लर्न हो जाएंगे, आपको करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप अगर ट्रिक्स पढ़ भी लेते हो तो वो दिमाग में भी बैठ जाएंगे, अदरवाइज याद नहीं रहेंगी। आप देख सकते हो, जैसे मैंने बोला वाम्थ, बांग्लादेश के साथ वाम्थ है, तो डब्ल्यू हो गया आपका वेस्ट बंगाल, ए हो गया आपका असम, MMT, एम हो गया मेघालय, एम हो गया मिजोरम और टी हो गया त्रिपुरा, क्योंकि जो बांग्लादेश है बिल्कुल ईस्ट साइड में आता है। तो ईस्ट साइड की जितनी स्टेट्स होंगी वो आपकी इसकी जो है वो नेबरिंग स्टेट्स हो जाएंगी। आप देख सकते हो बांग्लादेश ये है, तो वेस्ट बंगाल आ रहा है यहाँ तक, ये मेघालय, ये असम, ये त्रिपुरा और इसके अलावा मिजोरम। तो ये बांग्लादेश के साथ ये सारी जो है वो नेबरिंग कंट्रीज में है। तो ये हो गई आपकी फाइव स्टेट्स। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही साथ इसका भी, चलिए। अब हम बात करते हैं चाइना की। तो आप चाइना के लिए कैसे याद रखोगे कि हम एक बार पाकिस्तान को जोश दिखा चुके हैं, अब हमें जोश किसको दिखाना है, चाइना को। तो चाइना की जो ट्रिक है वो है जोश। बस जोश की स्पेलिंग आपको ये याद रखनी है, JASH। जे हो गया जम्मू एंड कश्मीर, ए हो गया अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा यू हो गया उत्तराखंड, एस हो गया सिक्किम और एच हो गया हिमाचल प्रदेश। आप देख सकते हो ये है चाइना। तो जितनी भी ये बाहर वाली स्टेट्स हैं वो सारी इसकी नेबरिंग स्टेट्स हैं। तो आप देख सकते हो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आ गई जम्मू कश्मीर, आप देख लो जम्मू कश्मीर जो है वो चाइना के साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है। उत्तराखंड है, इसके अलावा बात करते हैं
आपका आ गया जम्मू कश्मीर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश ये रहा। तो ये आपकी चाइना के साथ होने वाली जो है वो शेयर करने वाली स्टेट्स हो गई। कितनी स्टेट्स हैं? ये भी 5 स्टेट्स हैं। कैसे याद रखोगे? जोश, यानी जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। तो ये हो गई आपकी चाइना से जो स्टेट्स बाउंड्री शेयर कर रही हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही साथ इसका भी आप देख भी सकते हो। यहाँ पे अगर मार्क लगाऊं मैं तो जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा ये उत्तराखंड आ गया, इसके बाद ये सिक्किम आ गया, और ये आ गया आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 स्टेट्स हो गई। चलिए अगला है आपका नेपाल। तो नेपाल को कैसे याद रखोगे? बहुत आसान है। नेपाल से हम लाते हैं अल्कोहल। नेपाल में अल्कोहल अच्छी मिलती है और अल्कोहल को बोलते हैं बूज, राइट? तो यंगस्टर्स जो है वो बूज बोलते हैं। तो बूज की बस स्पेलिंग जो है आपको याद रखनी है, BWWS, BWWS, ये है आपकी स्पेलिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा? नेपाल से रिलेटेड सबसे पहले आ गया बिहार, दो यू है, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये दो फिक्स हो गए। डब्ल्यू से वेस्ट बंगाली है एक, और एस से हो गया सिक्किम। तो BUUWS ये है आपका बूज, यानी नेपाल से स्टेट्स जो शेयर कर रही हैं बाउंड्री। आपने अब तक क्या पढ़ा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, गर्म सीट वजम, वो 8 स्टेट्स थी। फिर चाइना की बात करूँ तो जोश दिखाना था, JAUSH। फिर मैं बात करती हूँ बांग्लादेश की, तो वार्म्थ रिलेशंस थे, WAMMT। इसके अलावा नेपाल की बात करूँ तो बूज हमें चाहिए वहां से, यानी BUUWZ, WS। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख सकते हैं जो आपका नेपाल है इससे कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं जिन्होंने बाउंड्री शेयर कर रखी हैं। सबसे पहले बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये हो गई। इसके अलावा आ जाओ आप सिक्किम, और आपका हो गया वेस्ट बंगाल। ये जो पिंक कलर की लाइन है, ये जो एरिया है वेस्ट बंगाल का ही है, तो ये वेस्ट बंगाल। तो टोटल 5 स्टेट्स हो गई जहां से जो है आपका नेपाल जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगली बात करते हैं पाकिस्तान की। देखो पाकिस्तान को याद करना बहुत आसान है, चाइना को जोश दिखाना है, लेकिन अब की बार पाकिस्तान में ग्रुप में जाना है। तो ग्रुप में जाकर, इसमें आपको एक चीज और बता दूं जो ट्रिक है भी, वो सिर्फ ग्रुप और जाकर की है। तो ग्रुप GRP, जाकर में जे और के, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है? अब इसमें यूनियन टेरिटरी आती है तो आप लद्दाख जो है वो ऐड कर सकते हो, लेकिन जो आपकी स्टेट्स हो गई वो कौन सी हो गई? GRP और जे और के। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर, अगर आता है कि यूनियन टेरिटरी बताओ तो लेह लद्दाख जो है वो आप डाल सकते हो। तो पाकिस्तान को कैसे जाना है? ग्रुप में जाना है। तो ग्रुप में जाकर, ग्रुप और जाकर जो है वो है इसकी ट्रिक, छोटी सी ट्रिक है, आप देख सकते हो। सबसे पहले राजस्थान आ गया, देखो ये आ गया गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, और इसी में यहीं पर जो रीजन है उसी के अंदर लेह है। तो ये हो गई आपकी वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे आपका जो पाकिस्तान है वो बाउंड्री शेयर करता है। लेह लद्दाख भी आ सकता है इसमें, ठीक है? तो ये वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके साथ पाकिस्तान ने अपनी बाउंड्री शेयर की है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही साथ इसका भी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ जो बाउंड्री शेयर हो रही है, मैंने आपको वो एक्सप्लेन कर दी है। इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप पॉलिटिकल मैप ले आइए, एक हफ्ते तक डेली आपको मैप को फिल करना है, आपको मैप भी लर्न हो जाएगा, बहुत कम टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। और साथ साथ क्योंकि ट्रिक्स कितनी ही आप लर्न करेंगे, तो ट्रिक्स को लर्न करने का तरीका है पहले बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद ट्रिक्स काम में आ जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। SSC के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको पता है कि हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो ज़रूर जाके चेक कर लीजिए इन केस आपकी कोई वीडियो मिस तो नहीं हुई। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। हैव अ वेरी नाइस डे।